आज हम आप लोग के लिए 14 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर के आए हैं। डेली मॉर्निंग में 6 बजे इसी टाइम में, आज थोड़ा सा बारिश के कारण लेट हो गया, 6 बजे से ही मॉर्निंग में डेली का करंट अफेयर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। आज 14 सितंबर 2021 का करंट अफेयर हम लेकर के आए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। कहा जाता है कि कोई भी नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके तो दिखा, खुद पहचान लेगा जवाना, भीड़ से तू अलग चल कर के दिखा। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था? आप लोग बताइएगा आंसर। आप लोग के सामने ऑप्शन है, राजकोट, बड़ोदरा, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर होगा अहमदाबाद। इसका आंसर होगा अहमदाबाद। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 सितंबर 2021 को अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन 11 सितंबर 2021 को किया गया था। सरदार धाम फेज टू कन्या के माध्यम से सरदार धाम फेज टू कन्या छात्रालय का भी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने उसी दिन रखा था, अहमदाबाद में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीज अखनौज को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? अजीज अखनौज को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है, तुर्की, इथियोपिया, मिस्र, लीबिया और मोरक्को। आपके पास 5 ऑप्शन है। आप लोग लाइव में कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग के सामने, अजीज अखनौज किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मोरक्को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मोरक्को। मोहम्मद सिक्स ने अजीज अखनौज को मोरक्को का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब ये मोरक्को का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो मोरक्को का राजधानी कहाँ है? मोरक्को का राजधानी है रबात। इसका करेंसी क्या है? इसका करेंसी है मोरक्कन दिरहम। मोरक्को दिरहम।
मरको दिरहम। गुड मॉर्निंग रिचेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उस तूफान का नाम बताइए जिसने हाल ही में ताइवान को प्रभावित किया। उस तूफान का नाम बताइए जिसने हाल ही में ताइवान को प्रभावित किया था। आपके पास ऑप्शन है डीएन, टीनो, चंथू, सेरोज और एल्सा। डीएन, टीनो, चंथू, सरोज और एल्सा। कौन सा तूफान है जो ताइवान को हाल ही में प्रभावित किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंथू, जिन्होंने ताइवान को बहुत प्रभावित किया था। इसके अलावा फिलहाल में अभी दो चार तूफान और आया था जो कि है साइक्लोन याम, साइक्लोन यास, ये फिजी देश में आया था। साइक्लोन यास जो फिजी देश में आया था, साइक्लोन यास, यहाँ हम लिख देते हैं। ये आपका फिजी देश में आया था। एक और था साइक्लोन निवार, साइक्लोन निवार, ये आपका आया था तमिलनाडु में। साइक्लोन निवार ये आपका तमिलनाडु में आया था। एक और है साइक्लोन निसर्ग, साइक्लोन निसर्ग, यह आपका आया था महाराष्ट्र और गुजरात में। साइक्लोन निसर्ग कहाँ आया था? महाराष्ट्र और गुजरात में। ये तीन तरह का साइक्लोन, साइक्लोन नाम से तूफान आया था। जो साइक्लोन यास है वो फिजी देश में आया था, और एक है साइक्लोन निवार, ये आपका तमिलनाडु में आया था, और एक साइक्लोन निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात में। ये तीन में से कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि तीनों साइक्लोन से है। अब साइक्लोन यास है, साइक्लोन निवार है और साइक्लोन निसर्ग है, तो आपको कभी भी कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन यास कौन सा देश में तूफान आया था, तो ये फिजी देश में आया था। आपसे क्वेश्चन दे देगा साइक्लोन निवार तूफान कहाँ आया था, तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में आया था। उसके बाद एक है साइक्लोन निसर्ग, ये आपका महाराष्ट्र के गुजरात में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। किस देश के साथ भारत ने संशोधित रणनीति स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP शुरू किया है? यह आपका शॉर्ट फॉर्म है SCEP, SCEP ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो किस देश के साथ भारत ने संशोधित रणनीति स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी शुरू किया है? ऑप्शन है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन,
स्पेन, इटली या यूएसए? किस देश के साथ? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मॉर्निंग मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका, किस देश के साथ भारत ने संशोधित रणनीति स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी का शुरुआत किया था? यूएस के साथ, यूएसए के साथ। अब ये यूएसए के साथ भारत में संशोधित रणनीति स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी शुरू किया गया था। तो भारत का पेट्रोलियम और ऊर्जा भारत का पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है बताइएगा आप लोग कमेंट में। भारत का पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है? भारत का पेट्रोलियम और गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि का महाकवि दिवस मनाने का फैसला किया है? किस राज्य ने, आप लोग बताइएगा आंसर फास्ट, किस राज्य ने 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती का पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस मनाने का फैसला किया है? आप लोग के सामने क्वेश्चन है, तमिलनाडु है ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन बी नंबर कर्नाटक, ऑप्शन सी नंबर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नंबर केरल, ऑप्शन ई नंबर ओडिशा। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा या आंध्र प्रदेश होगा, केरल होगा या ओडिशा होगा। फास्ट आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। 11 सितंबर को सुब्रमण्यम भारती ने पुण्यतिथि महाकवि दिवस मनाने का फैसला किया था। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को पुण्यतिथि मनाने का फैसला किया था। जो सुब्रमण्यम भारती का 100वां पुण्यतिथि था जो 11 सितंबर को मनाया गया था, 2021 में उनका 100वां पुण्यतिथि था, तमिलनाडु में मनाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है आपका ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा आप लोग आंसर इसका। आपके सामने ऑप्शन है कौशिक बसु, सुब्रमण्यम स्वामी, संजय गुब्बी, विश्राम बेडेकर या ऑप्शन नंबर डी मनन भट्ट। आप लोग बताइएगा इसका आंसर फास्ट कि इसका आंसर क्या होगा। कौशिक बसु, सुब्रमण्यम भारती, संजय गुब्बी, विश्राम बेडेकर या मनन भट्ट, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग फास्ट आंसर दीजिए, हमसे फास्ट आंसर आपको देना चाहिए। जब तक हम आंसर क्वेश्चन पढ़े तब तक आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। हम इसका आंसर होगा, इसका आंसर रिचेश कुमार दिया था बी, सही है, बहुत अच्छा। आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर क्लास 6 बजे मॉर्निंग में पर डे चलेगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। डेली करेंट अफेयर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्री
2021 जीता है? आपके सामने ऑप्शन है डेनियल रिकॉर्डो, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टपन, लुइस हैमिल्टन, एस्टेबन ओकोन। ऑप्शन है आपके पास डेनियल रिकॉर्डो, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वर्स्टपन, लुइस हैमिल्टन, एस्टेबन ओकोन। निम्नलिखित में से किसने फार्मूला वन इटालियन? आपको हमेशा इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछते रहता है, क्योंकि बहुत सारा ये ग्रैंड प्री होता है, इटालियन होता है, ऑस्ट्रियन होता है, तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 कौन जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल रिकॉर्डो इटालियन ग्रैंड प्री 2021 का फार्मूला वन रेसिंग में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने US ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता है? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, USA ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब बोल रहा है आपसे। इसमें महिला एकल खिताब भी होता है, डबल पुरुष एकल खिताब भी होता है, डबल महिला एकल खिताब भी होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि पुरुष एकल खिताब USA ओपन कौन सा, USA ओपन 2021। तो ऑप्शन आपके सामने है अलेक्जेंडर मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थियम, नोवाक जोकोविच, पंचो गोंजाल्स। आपके पास ऑप्शन है 5। फास्ट आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डेनियल मेदवेदेव होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने यूएसए ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता था? डेनियल मेदवेदेव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। अब ये डेनियल मेदवेदेव हैं जो किसको हरा करके जीते हैं, नोकाब जोकोविच को हरा करके जीते हैं। डेनियल मेदवेदेव यूएसए ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब डेनियल मेदवेदेव नोकाब जोकोविच को हरा करके जीता है। अब ये डेनियल मेदवेदेव जो है ये कौन सा देश के हैं, तो ये हैं रूस देश के। ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव। अब ये इसमें पूछ देगा आपसे, कभी कभी पूछता है कि महिला USA ओपन 2021 का खिताब कौन जीता था, महिला USA ओपन 2021 का खिताब कौन जीता था? एमा राडोकानो। महिला में USA ओपन 2021 का खिताब एमा राडोकानो जीते हैं। ये हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के। ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। महिला में एमा राडोकानो जीता है और पुरुष में डेनियल मेदवेदेव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है, रीजा बावा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे? रीजा बावा का हाल ही में निधन हो गया वह एक क्या थे। आपके सामने ऑप्शन है संगीतकार, कवि, कथक नर्तक, एक्टर, शास्त्रीय संगीत। क्वेश्चन नंबर 9, रीजा बावा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक कौन थे? आप लोग आंसर बताइएगा फास्ट, इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने पास 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, रीजा बावा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्टर। ऋषेश कुमार आंसर दिया है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ। हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ। वह एक क्या थे? राजनीतिक, पत्रकार, अभिनेता, पर्यावरणवादी या पाश्चात्य गायक? आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया। वह एक क्या थे? राजनीतिक, पत्रकार, अभिनेता, पर्यावरणवादी, पाश्चात्य गायक? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ये एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे। ऑस्कर फर्नांडिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये उडुपी से 5 बार सांसद रह चुके हैं। ऑस्कर फर्नांडिस जो है ये उडुपी से 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब ये उडुपी से रहे हैं तो उडुपी कहाँ है? ये कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। उडुपी से ये 5 बार सांसद रहे थे, जो कि राजनीतिक है, पॉलिटिशियन है। अब ये कब कब रहे थे? तो 1980, पहला बार 1980 में रहे थे, दूसरा बार 1984, तीसरा बार जब ये सांसद बने थे 1989, इसके बाद 1991, इसके बाद 1996। ये 5 बार सांसद रहे थे, 1980, 1984, 1989, 1991 और 1996। ऑस्कर फर्नांडिस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये राजनीतिक थे। कहाँ के? उडुपी के। उडुपी कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोरक्को, मोरक्को की मुद्रा क्या है? बताइएगा आप लोग आंसर इसका। इसका आंसर तो सब लोग को पता होगा, मोरक्को का मुद्रा क्या है? बताइएगा। दिनार है, तोमन है, रियाल है, दिरहम है या करोन है? मोरक्को का मुद्रा का, मोरक्को की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका मुद्रा है दिरहम। मोरक्को की मुद्रा है दिरहम। अब ये दिनार और रियाल, ये बहुत जगह का मुद्रा है, लेकिन ये टोमन और ये क्रोन, ये दो बहुत कम जगह का मुद्रा रहता है। तो बताइएगा टोमन कौन सा, कहाँ का मुद्रा है? टोमन ये है आपका ईरान का मुद्रा, कहाँ का? ये ईरान का है। और ये क्रोन, अब ये क्रोन है, क्रोन बताइएगा कौन सा देश का मुद्रा है? तो क्रोन है डेनमार्क का मुद्रा, कहाँ का? डेनमार्क, क्रोन है डेनमार्क का मुद्रा। मोरक्को है, मोरक्को देश का मुद्रा क्या है? दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार आवंटन कितना है? आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार आवंटन कितना है? आपके सामने ऑप्शन है एसडीआर 12.57 बिलियन, एसडीआर 17.72 बिलियन, एसडीआर 19.41 बिलियन, एसडीआर 13.66 बिलियन या ऑप्शन नंबर डी एसडीआर 14.86 बिलियन। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार आवंटन कितना है? इसका आंसर होगा एसडीआर 12.57 बिलियन। अब ये एसडीआर है, क्या है? एसडीआर है, एसडीआर। एसडीआर का मतलब क्या होता है आप लोग ये बताइएगा, एसडीआर का मतलब होता क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर 12.57
57 बिलियन भारत का। आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार है एसडीआर 12.57 बिलियन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, हवा में CO2 सोखने के लिए, हवा में CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र, हवा में CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का, पूछ रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है। तो हवा में CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया, हवा में ही CO2 सोखने का डिजाइन तैयार किया गया है, तो ये कौन सा तैयार किया है? आपके सामने ऑप्शन है आइसलैंड, USA, नॉर्वे, सर्बिया, कनाडा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आइसलैंड, USA, नॉर्वे, सर्बिया, कनाडा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड। आइसलैंड ने हवा से CO2 सोखने के लिए डिजाइन किया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है, आइसलैंड देश में शुरू किया गया है, हवा से CO2 सोखने के लिए डिजाइन तैयार किया गया है जो कि आइसलैंड में है। अब यह आइसलैंड में है तो आइसलैंड के बारे में आपको पता होगा कि आइसलैंड एक बहुत ठंडा प्रदेश है, आइसलैंड बहुत ही ठंडा प्रदेश है जो कि नॉर्थ अटलांटिक में पड़ता है। आज के लिए आपका इतना ही, नेक्स्ट को कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेट का लेकर के डेली मॉर्निंग में 6 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया था, डेली मॉर्निंग में 6 बजे हम लोग मिलेंगे करेंट अफेयर के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें, लाइक करें।